हैप्पी मदर्स डे। आज मदर्स डे के दिन मैं आपको चार क्वालिटीज ऐसी बताना चाहती हूँ जिसमें कि एक वेलनेस कोच एक मदर की तरह आपकी सुरक्षा करता है, आपको गाइड करता है और उसी तरीके से आपका ख्याल रखता है। एक वेलनेस कोच क्या करता है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेटिव नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। उसके जो अनुभव होते हैं खुद के होते हैं, और एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देकर के कभी नहीं छोड़ती, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगातार प्रयास करती है, तभी वो सबसे पहली गाइड होती है। नंबर टू, बॉडी माइंड और सोल तीनों के लिए बराबर प्रयास करती है, तीनों का डेवलपमेंट एक साथ करती है, यही एक वेलनेस कोच भी करता है। एक वेलनेस कोच कभी भी सिर्फ बॉडी के फैट लॉस के बाद आपको छोड़ नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है फैट लॉस हो ही नहीं सकता जब तक माइंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक कनेक्शन नहीं होगा। इसीलिए थर्ड जो ह्यूमन रिलेशनशिप की क्वालिटी है वो एक माँ से अच्छा, माँ और बच्चे से अच्छा किसी का नहीं होता। तो वेलनेस कोच अपने स्टूडेंट के साथ जो रिलेशनशिप रखता है वो एक माँ की तरह ह्यूमन रिलेशन को बना करके फील करके रखता है, क्योंकि वो इसी जर्नी से पहले गुजरा हुआ है। एंड नंबर फोर, बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि वो आप जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना वो ऑलरेडी गुजर चुका होता है, तो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के साथ और कनेक्शन के साथ वो आपकी केयर करता है, बिल्कुल एक माँ की तरह।